हमीरपुर में उप प्रोवेंशन अधिकारी के पद पर तैनात दिव्यांग आरती सिंह को गलत कार्रवाई के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया था, जिसको लेकर राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के लोग सेंट्रल पार्क शास्त्री नगर से मुख्यमंत्री आवास लखनऊ के लिए शांति मार्च के लिए रवाना हुए। राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री आवास पर जाकर नींद हराम आंदोलन को अंजाम दिया जाएगा। पार्टी विकलांगों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगी। आज राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के लोग कानपुर से लखनऊ मुख्यमंत्री आवास पर तक शांति मार्च निकाल करके नींद हराम करो आंदोलन चला रहे हैं। विकलांग आरती सिंह जो हमीरपुर की हैं, वहां पर विधि सह परिवीक्षा अधिकारी थी, विधायक युवराज सिंह के कहने पर जिलाधिकारी हमीरपुर ने उनको बर्खास्त कर दिया। उनके खिलाफ़ दो दो FIR करा दी गई। पीड़ित आरती सिंह की FIR नहीं दर्ज की गई, उनका यौन शोषण करने का प्रयास किया गया जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा। हमारी मांग उनकी बहाली को, उनकी सुरक्षा को और दोषियों के खिलाफ़ दोषी DM, विधायक और जिला प्रोबेशन अधिकारी खिलाफ़ कार्रवाई की मांग को